दोस्तों, बहुत सारे लोगों का क्लिपचैम्प वीडियो एडिटर जो वेबसाइट है उसमें बहुत सारे लोगों को जो है दिक्कत हो रहा है, जिस पे मैंने कंप्यूटर वॉइस में जो है साउंड को जनरेट करना सिखाया था, जो कि एक बहुत ही बेस्ट टेक्स्ट टू स्पीच जो है वेबसाइट है वो आपको गूगल में तो मिलेगा, लेकिन उसमें लॉगिन करने में बहुत सारे लोगों को जो है दिक्कत हो रहा था। तो इसलिए जो है दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ठीक है। और क्योंकि मेरे पास देखिए दो मोबाइल है और दोनों में वो लॉगिन हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं होता है, बहुत सारे लोगों का लॉगिन नहीं हो रहा है। अब क्यों नहीं हो रहा है, कारण तो मुझे पता नहीं लग रहा है, फिर भी मैं यहाँ पर कोशिश करूँगा और कई सारे तरीका बताऊँगा जिसका यूज़ करना है आपको, ठीक है। हो सकता है आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको गूगल में आ जाना है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर वीडियो में हम आगे बढ़े, इससे पहले आज का विनर जान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए आज का विनर ये भाई है, इनके चैनल को जाकर के सपोर्ट कीजिएगा। इनका लिंक मैंने चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और इनके वीडियो को कम्युनिटी पोस्ट में शेयर भी कर दिया है, तो जाकर के इनको सपोर्ट कीजिएगा। और अगर आप भी विनर होना चाहते हैं नेक्स्ट टाइम, तो आपको करना क्या है कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है और कोई भी प्यारा सा कमेंट कर देना है। अगर आप नेक्स्ट टाइम विनर आते हैं तो आपका भी चैनल को इसी प्रकार तीनों जगह प्रमोट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि हम अपने उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए गूगल में आ जाना है और यहाँ पर आपको लिखना है वही क्लिपचैम्प वीडियो एडिटर, ठीक है। यहाँ पर देखिए मेरा लिखा हुआ है तो मैंने इस पर टैप कर दिया, क्लिपचैम्प वीडियो एडिटर। जैसे आप लिखेंगे तो ये फर्स्ट में ही आपको ये आएगा, बल्कि इसका एप्लीकेशन अभी अवेलेबल नहीं है मोबाइल के लिए, आपको वेबसाइट पे जाकर के ही बनाना होगा। तो ये फर्स्ट में ही दोस्तों आपको देखिए दिख जाएगा और यहाँ पर clipchamp.com ये है उसका ऑफिशियल वेबसाइट, हो एक नंबर पे ही शो करेगा, ठीक है। इधर इधर उधर में आपको क्लिक नहीं करना है, ये सब जो है आपको दिख रहा है कहीं जाना नहीं है, वीडियो मेकर वगैरह ये सब पे क्लिक नहीं करना है आपको। फर्स्ट टॉप में जो आएगा और वहाँ पर उसका ये देख लेना है, उसका डोमेन नेम clipchamp.com, इसी पर दोस्तों आपको क्लिक करना है, ठीक है। ये जैसे ही आपका इस प्रकार का पेज खुलेगा तो आपको थ्री डॉट पे क्लिक करके सबसे पहले इसे जो है डेस्कटॉप साइट में ऑन करना है, फिर इस प्रकार का लोगो आपको दिखेगा। अब यहाँ पर जो दिखने के बाद दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले आपको करना क्या है, ऊपर में देख सकते हैं इस जगह पर फ्री ट्रायल, इस पर आपको क्लिक करना है, फ्री ट्रायल पे ट्राई फॉर फ्री, ठीक है, उस पर आपको एक बार टैप करना है, क्योंकि हम इसे फ्री में यूज़ करेंगे, इसमें इसके लिए हमें पेड नहीं करना है और ये बिल्कुल फ्री है। मैं अभी फ्री में यूज़ कर रहा हूँ और आप लोग भी फ्री में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उस पर क्लिक करने के बाद ये देखिए इस प्रकार से थोड़ा सा समय लेगा, आपको घबराना नहीं है। और ये तो मेरा डायरेक्टली ऑन हो गया, ये डायरेक्टली इसलिए ऑन हो गया क्योंकि मेरा जो है ऑलरेडी साइनअप किया हुआ है। अब यहाँ पर आपको ध्यान दीजिए, उस पर क्लिक करने के बाद जो है आपको लॉगिन करने के लिए बोला जाएगा, तो ईमेल आईडी के ज़रिए जो है आपको लॉगिन कर लेना है। अब लॉगिन वाला प्रोसेस में अगर आपको दिक्कत है तो डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो की लिंक दे दूंगा जिसमें मैंने फुल टोटल जो है दोस्तों उसमें लॉगिन करना मैंने सिखा दिया फुल में, ठीक है। कोई झमेला नहीं होगा, आप जाकर के सीख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए उसके बाद दोस्तों, अगर बाय द वे उस पर अगर कोई प्रॉब्लम आता है, इस जगह पर आपको तीन ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पर तीन ऑप्शन दिख रहा है, इस पर जो है बीच वाले ऑप्शन पर साइन अप विथ गूगल ये जो लिखा हुआ है इस पर आपको टैप करना है, और इस पर टैप करके तब जाकर के साइन अप करना है। यानी कि फर्स्ट टाइम जब भी आप लॉगिन करोगे तो यहाँ पर आपका ऐसे लॉगिन होने वाला नहीं है, आपको वहाँ पर अकाउंट क्रिएट करना होगा, ठीक है। उस पर लॉगिन कर उस पर टैप करने के बाद दोस्तों यहाँ पर एक ईमेल आईडी मांगा जा रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं, तो जिससे मैंने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है, अगर उस पर टैप करूँ तो डायरेक्ट वो ऑन हो जाएगा, और जिससे लॉगिन नहीं किया हुआ है अगर मैं उस पर टैप कर दूँ तो ये जो है हमारा लॉगिन होगा ही नहीं, ठीक है। यहाँ पर फिर से हमारा अकाउंट क्रिएट करने के लिए बोला जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों वहाँ फ्री ट्राई फॉर फ्री, या तो यहाँ बीच वाले पर आपको क्लिक करके उसको, उसके बाद यहाँ पर देखिए कुछ सेकंड आपको वेट करना होगा, यहाँ पर कट करके इसने कि बैक करके चले जाना है, लोडिंग लेता है फिर ऑन होगा। तो देखिए इससे हमारा लॉगिन किया हुआ था डायरेक्ट, इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर पेज खुल जाता है, हमारा में लॉगिन हो रहा है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर अगर आपको फिर समस्या हो तो आप क्या करिएगा कि क्रोम से भी लॉगिन करने का प्रयास कीजिएगा, या फिर मैं यहाँ पर इससे भी शायद मेरा लॉगिन किया हुआ है, मैं एक बार देख लेता हूँ, लेकिन आपको उसी प्रकार से वहाँ पर सेम क्लिक करना है और यहाँ पर कुछ सेकंड का आपको वेट करना होगा, थोड़ा सा वेट करना होता है। देखिए इस प्रकार से लोडिंग यहाँ पर लेगा और ये ओपन हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों क्रिएट न्यू वीडियो पर आपको क्लिक करना होता है और यहाँ पर वीडियो क्रिएट करने के लिए डायरेक्टली आपका जो है यहाँ पर देखिए पेज खुल करके तैयार हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर इस जगह पर दोस्तों क्रिएट, मगर
हमारा में डायरेक्टली लॉगिन हो जा रहा है, अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है तो मैं बताता, लेकिन जैसा मैंने बताया डेस्कटॉप साइट पे ऑन करना है, इस प्रकार से ऑन करना है, सब कुछ कर लेना है। और कुछ लोगों का इस जगह पर आकर के दिक्कत होता है, तो यहाँ का दिक्कत भी मैं आगे बताता हूँ, तो आपको ध्यान रखना है। या तो क्रोम में चल जाइएगा, लेकिन डेस्कटॉप साइट में 3 डॉट पर क्लिक करके उसके बाद ऑन कीजिएगा। और हो सकता है किन्हीं का मोबाइल में वर्जन जो है सपोर्ट ना करे, शायद ये भी हो सकता है, तो उस मोबाइल में अब सपोर्ट नहीं करता है तो इसका तो कोई उपाय नहीं है भाई, इसका कोई अभी एप्लीकेशन भी नहीं आया है, तो वो डेस्कटॉप में वो लैपटॉप में यूज़ होगा और बाद बाकी ये मोबाइल में यूज़ होता है। आप यहाँ देख सकते हो मेरा यहाँ पर लॉगिन है, ये मोबाइल है, मोबाइल में चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्रिएट एंड रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से दोस्तों टेक्स्ट यहाँ पर 4 ऑप्शन खुल के आएगा, नीचे वाले पे आपको क्लिक करना है टेक्स्ट टू स्पीच पे। और इस प्रकार से दोस्तों टेक्स्ट टू स्पीच वाले ऑप्शन पर जैसे क्लिक करेंगे, देखिए ये पॉपअप खुल के आएगा। बहुतों में ये दिक्कत होता है, जल्दी खुल के आता नहीं है, इसके लिए आपको डाटा ऑन रखिएगा हमेशा। और यहाँ पर आपको कुछ भी लिखना होता है, इस जगह पर आपको लिखना है। और यहाँ पर दोस्तों देखिए वॉइस का जो है सेटिंग वगैरह, इतना सारा वॉइस है, आप इसमें से जो है कोई सा भी वॉइस को सेलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पर हिंदी के लिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट करना है हिंदी। हिंदी में केवल आपको 2 साउंड मिलेगा, एक लेडीज़ का और एक जेंट्स का, तो यहाँ पर साउंड को सेलेक्ट कर लेना है हिंदी। इस जगह पर जैसे हिंदी आप जैसे सेलेक्ट कीजिएगा तो यहाँ पर दोस्तों देखिए साउंड के लिए 2 ही साउंड मिलेगा, एक सावड़ा और एक मतलब लेडीज़ का और एक जेंट्स का, ठीक है, उसको सेलेक्ट करना है और बाद बाकी कुछ छेड़खानी नहीं करना है, ठीक है। अब यहाँ पर ये फास्ट कम बेसिक कर सकते हो, और यहाँ पर टेक्स्ट कोई भी लिख करके उसके बाद सेव करने का प्रोसेस तो दोस्तों ऑलरेडी मैंने वीडियोज़ में सिखा रखा है, आप जाकर देखेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर ये सारा कुछ प्रॉब्लम है। और कई बार अगर यदि यहाँ पर आपको ये पेज खुलने में दिक्कत हो तो बार बार क्या करना है कि डाटा को एरोप्लेन मोड में कर देना है, उसके बाद फिर से ऑन करना है, क्योंकि इस पर थोड़ा हाई स्पीड डाटा चाहिए, हाई स्पीड डाटा पे ही ये काम करता है, वरना नहीं करता है। मेरा मोबाइल में भी कभी कभी डाटा जब ख़त्म होने वाला होता है तो फिर वो अपना दिखा देता है रूप, ठीक है। तो आपको हाई स्पीड डाटा इसमें चाहिए, तो कभी कई बार आप एरोप्लेन मोड करके उसके बाद ऑन करेंगे तो लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों का डाउट क्लियर हुआ होगा, फिर भी इससे रिलेटेड समस्या हो या लॉगिन होने में प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिएगा, और क्या प्रॉब्लम आ रहा है वो कमेंट कीजिएगा तो मैं देखने का प्रयास करूंगा। और हो सकता है किन्हीं के मोबाइल में वर्सन या ये सपोर्ट ना करे, ऐसा भी हो सकता है। खैर मेरे पास तो 2 मोबाइल है, इसमें लॉगिन हो रहा है, और मैं ट्राई करूंगा अगर कोई मोबाइल मुझे मिलता है उसमें मैं लॉगिन करने का प्रयास करूंगा, उसमें ओपन होता है या नहीं, ठीक है, तभी मुझे समझ में आएगा। तो वीडियो पसंद आए इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।